उत्तरी कश्मीर के बादीपुरा में निहत्थे और छुट्टी पर चल रहे बीएसएफ जवान को वीरवार को मिलिटेंट्स ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी और परिवार के 4 सदस्यों को गंभीर घायल कर दिया था, जिसके बाद आज बीएसएफ के आईजी हजिन इलाके में संभावना विद्यालय में मोहम्मद रमजान के परिवार वालों से मुलाकात की और शोक जताया। साथ ही आश्वासन दिया वो जल्द ही इस शहादत को बदल लेंगे। वहीं मोहम्मद रमजान की बहन ने वीओआईओ से बात करते हुए मांग की जो उनके परिवार के लोग घायल हैं उनका सही इसे इलाज हो, क्योंकि मोहम्मद रमजान के अलावा इस घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इस दुख की घड़ी में पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं। Ramzan showed lot of valor and fought with them gallantly, and the entire family also showed lot of courage in this entire sad episode. The entire BSF family, the DG BSF, the Frontier, we all are with the family and we are with them, extending all our support. The security forces, the local administration, they are carrying on various operations to hunt the militants who have done this dastard act. We have immediately provided the aid to the family, and not only here, even in the hospital, the father of martyred Ramzan, there also we are taking care of the father. And the younger brother also is there in Srinagar in our hospital. यह थी बादीपोरा से शहजाद भट्ट की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।